हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पबजी मोबाइल लाइट के टॉप 5 सोलो के टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जो आपके क्लासिक मैचेस में काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेक हमारी इस टाइप के वन हाउस में वर्क कर रही है और ऐसे वन हाउस आपको 2-3 जगह देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, बंदे ऊपर की साइड कैंप करके बैठे रहते हैं एंड हमें उनकी पोजीशन भी पता नहीं रहती। यदि हम उन पर सीधा रश करने जाते हैं तो काफ़ी इजीली वो हमें मार सकते हैं। तो यदि आप उन बंदों की पोजीशन पता करना चाहते हैं बिना ऊपर जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको अपने बैग को ओपन करना है एंड यूज के ऑप्शन को दबा देना है। अब इससे क्या होगा कि आपको ऊपर का पूरा भी मिल जाएगा एंड आप नीचे से ही ऊपर के बंदों की पोजीशन देख सकते हैं एंड आप चाहें तो सीधा जाकर रस करके मार सकते हैं एंड बाहर की साइड से नेट वगैरह फेंक के भी मार सकते हैं। यही सेम टेक इस साइड ही बैग कहती है, आप यहाँ से भी बंदों की पोजीशन देख सकते हैं कि कौन बंदा कहाँ पर है एंड काफ़ी ईजीली उस बंदे को मार सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, यह ट्रिक अपार्टमेंट में वर्क कर रही है और यह ट्रिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रिक है। अब जैसा कि पता है आपको, बंदे यहाँ पर टीपी पी लेते हैं आपको मारने के लिए और गेट को हमेशा ओपन रखते हैं। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बंदे को आप काफ़ी इजीली मार दोगे एंड काफ़ी मतलब सरप्राइज हो जाएगा वो। तो आपके पास एक स्मोक होना चाहिए और स्मोक को आपको गेट के पास करना है ताकि उस बंदे का व्यू ब्लॉक हो जाए। और कुछ इस तरह से आपको स्मोक को यहाँ पर गेट के पास कर देना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और जैसे ही स्मोक हो जाता है आपको क्या करना है, दौड़ते हुए ऊपर की साइड जाना है एंड इस वाले गेट को बंद कर देना है और जल्दी से गेट के पीछे की साइड आपको खड़ा हो जाना है। और जैसे ही आपका मतलब जो एनिमी है वो गेट को ओपन करेगा तो आप टेलीपोर्ट हो गए पीछे की साइड, मतलब इस साइड आ जाओगे एंड यहाँ से भाई काफ़ी इजीली बंदे को मार सकते हैं एंड भाई वो सोच भी नहीं सकता कि भाई आप यहाँ पर कैसे आए। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रिक है और इस ट्रिक के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक है, यह टेक प्ले मोड में वर्क कर रही है और यह टेक हमारे जो न्यू लोकेशन ऐड हुई है स्टेडियम के पास है वहाँ पे वर्क कर रही है। और यह ज़्यादा खास टेक नहीं है लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस टेक में करने के लिए आपको इस वाली लोकेशन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर की साइड आ जाएँ और यहाँ पे आके आप प्रॉन हो जाए। प्रॉन होने के बाद थोड़ा पीछे की साइड आएँ एंड फिर आगे की साइड चले जाएँ और फिर आप जंप लगा कर खड़े हो जाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो करेक्टर होगा आपको छोटा दिखने लगेगा लेकिन यह ग्लिच ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। जैसे ही आप नीचे की साइड जाते हो और जंप करते हो तो यह ग्लिच फिक्स हो जाता है, लेकिन यह थोड़े टाइम के लिए रहता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा पीछे की साइड आके आगे की साइड होना है और फिर जंप लगा देना है। तो आप फिर से मतलब उसी ग्लिच अप्लाई हो जाएगा एंड फिर से आपको उसी टाइप का दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर जंप की तो यहाँ पर वह ग्लिच फिक्स हो गया है। तो यह ज़्यादा खास ट्रिक नहीं है लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, यह ट्रिक हमारे अपार्टमेंट में वर्क कर रही है लेकिन यह ट्रिक हर बार अप्लाई नहीं हो पाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की साइड आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इस वाले बॉक्स के ऊपर चढ़ जाना है। यहाँ पे इस वाले बॉक्स के ऊपर आप चढ़ जाएँ एंड उसके बाद आप अपने बैग को ओपन करें एंड इसके यूज के ऑप्शन को दबा दें। तो इससे क्या होगा, आपको ऊपर का व्यू मिल जाएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ग्लिच टाइप का होता है तो हम ऊपर पहुँच जाते हैं। तो अभी यह मेरे साथ नहीं हुआ है, अभी मैं दोबारा ट्राई करके दिखाता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हैं मैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर कोई एनिमी होता तो मैं उसे काफ़ी ईजिली मार सकता हूँ और काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक है। तो इसका भी यूज आप कर सकते हो। यहाँ पर मेरे साथ एक ग्लिच सा हो जाता है, पता नहीं कैसा कि मैं यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ 2-3 बार लेकिन यहाँ पर मेरा वो ग्लिच भी फिक्स हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक है और यही ट्रिक आप सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है और जैसे आप यूज के ऑप्शन को दबाओगे तो आपको पूरा व्यू मिल जाएगा ऊपर का और आप सीधा नेट वगैरह फेंक के भी मार सकते हैं, नहीं तो सीधा रस करके भी मार सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, यह ट्रिक पहाड़ी पर बैक कर रही है और कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें नीचे की साइड जाना पड़ता है एंड यदि हम सीधा जंप करके जाते हैं तो हम नॉक भी हो सकते हैं। तो उस टाइम आप क्या किया करो, आप स्केटिंग का यूज कर लिया करो। तो उसके लिए सिंपली आपको बैग को ओपन करना है एंड यूज के ऑप्शन को दबा देना है। तो आप कितनी भी ऊँचाई से भाई नीचे की साइड जंप लगा सकते हो
और आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। यहाँ पर मेरा टीममेट भी आता है नीचे की साइड, लेकिन वो स्केटिंग का यूज नहीं करता है और यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। तो आप यह गलती मत करना, आपको स्केटिंग का यूज करना है एंड कितनी भी ऊंचाई से आप नीचे आ जाओगे एंड आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड आप में से बहुत सारे बंदे वीडियो तो देखते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ट्राई किया करो चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।